व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट, ये मेरा आज का टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्चुअली बजट 2018 में माननीय वित्त मंत्री महोदय तत्कालीन श्री अरुण जेटली जी ने घोषणा करी थी कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये फेसलेस असेसमेंट की एक स्कीम भी अब लेकर के सरकार आई है सितंबर 2019 में। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड जो वेरियस पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से फेसलेस असेसमेंट चलेगा और इसमें क्या क्या बातें डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, क्या असेसी को ध्यान में रखनी है, इस विषय पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है सर, वाई ई असेसमेंट। सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद सेक्शन 143 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो स्क्रूटनी असेसमेंट को डील करता है उसके अंदर स्पेसिफिकली तीन सबसेक्शन, सबसेक्शन 3A, 3B, 3C इंसर्ट किए और उसमें ये बताया शुरुआत में कि हम ई असेसमेंट क्यों लेकर के आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली एलिमिनेटिंग फेस टाइम विद द असेसिंग ऑफिसर। सरकार ये मानती है कि असेसी का जो इंटरेक्शन असेसिंग ऑफिसर के साथ मैनुअली होता है, वन टू वन फेस टू फेस इंटरेक्शन है, उसको घटाए जाने की आवश्यकता है, इसलिए ये प्रक्रिया लेकर के आई गई। एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसीडिंग, बिल्कुल सर ये एक वेलकम स्टेप है। सरकार ऐसा फर्दर मानती है कि जो हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, तो ये ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से लेकर के आई जाएगी ये भी इस पर्टिकुलर स्कीम में जानने योग्य बात है। और तीसरी बात सर जो सरकार यहाँ पर कह रही है, जनरेटिंग ग्रेटर एफिशिएंसी इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग। एफिशिएंसी किस प्रकार से जनरेट होगी ये भी मैं अपने आगे के डिस्कशन में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो मुख्य बात यह है सर कि ई असेसमेंट से एक असेसिंग ऑफिसर के साथ असेसी का पर्सनल इंटरेक्शन खत्म करने की कोशिश है, दूसरा असेसमेंट प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है, और तीसरा असेसमेंट में एक प्रकार की ग्रेटर एफिशिएंसी सरकार चाहती है। ये सारी चीजें सर जो आई हैं इसका सोर्स है ई असेसमेंट स्कीम जो सीबीडीटी ने 12 सितंबर 2019 को सेक्शन 143(3)(a) के थ्रू डील करी है। क्योंकि सर ये वीडियो अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी लंबी है और वो इसलिए लाजमी है सर क्योंकि इस स्कीम में बहुत सारे पॉइंट्स का डिस्कशन किया है, फिर भी मैं संक्षेप में आपके सामने वो सारे बिंदु रखने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज ई असेसमेंट, ये ई असेसमेंट है क्या? तो सरकार ने इसे अपनी स्कीम में नोटिफाई करने के साथ साथ डिफाइन किया। ई असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट प्रोसीडिंग, e-assessment means the assessment proceeding conducted electronically, very important sir, conducted electronically in e-proceeding facility through assessee's registered account in designated portal. तो सरकार के पोर्टल पर मोस्ट प्रोबेबली सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, इसी पोर्टल के थ्रू डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर ई असेसमेंट की प्रोसीडिंग को चलाएगा और इस ई असेसमेंट प्रोसीडिंग में आपसे रिलेटेड जो भी असेसमेंट की कार्यवाही है उसे एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब मैं इस स्कीम में सर आगे बढ़ूं उससे पहले आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे असेसमेंट हैं जो ई असेसमेंट के अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूं सर तो असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है 143(3) का, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है 144 में, इनकम एस्केप्ड असेसमेंट हो सकता है 147 में, सर्च असेसमेंट हो सकता है 153(a) में, और कई बार सीआईटी अपील या आईटीएटी अगर किसी सेट असाइड असेसमेंट का ऑर्डर पास करते हैं तो उस प्रकार के असेसमेंट भी सर रेफर किए जा सकते हैं। लेकिन ई असेसमेंट में सर केवल स्क्रूटनी असेसमेंट ही कवर्ड है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केप्ड असेसमेंट, सर्च असेसमेंट और सेट असाइड से रिलेटेड असेसमेंट अभी ई असेसमेंट की स्कीम में शामिल नहीं किए गए हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, यहां से मैं प्रोसीजर में जा रहा हूं, हु विल कंडक्ट ई असेसमेंट, ई असेसमेंट करेगा कौन सर? तो सीबीडीटी के लिए कहा गया इस स्कीम में, द सीबीडीटी मे सेट अप फॉलोइंग फॉर द पर्पसेस ऑफ स्कीम। तो सीबीडीटी कुछ अथॉरिटीज क्रिएट कर रही है सर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ये ई असेसमेंट की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सर, NEC, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है और मैं इसी रेफरेंस से आगे आपसे बात करूंगा कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के कंधों पर महत्वपूर्ण रूप से ई असेसमेंट की जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने दी है। और इस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के साथ साथ
रीजनल ई असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ सर असेसमेंट यूनिट इसकी सहायक होंगी, वेरिफिकेशन यूनिट इसकी सहायक होगी और टेक्निकल यूनिट के साथ साथ सर रिव्यू से रिलेटेड यूनिट्स भी यहाँ पर बनाई गई है। ये यूनिट सर किस प्रकार से अपना काम करेगी, मैं आगे आपके साथ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। बात है हमारे सामने कि इस ई असेसमेंट में जो एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। स्कीम क्या कहती है जरा मेरे साथ देखिएगा। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन एनईसी एंड द असेसी और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही किया जाएगा। एंड ऑल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन एनईसी आरईसी एंड वेरियस यूनिट जैसे असेसमेंट यूनिट टेक्निकल यूनिट रिव्यू यूनिट मैंने आपके सामने रखी, उनके बीच में भी जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो भी सर इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। दिस शोज दैट देयर विल बी द ट्रांसपेरेंसी, जो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है यूनिट्स के बीच में असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में, यानी हर ट्रांजेक्शन की हर इंफॉर्मेशन की ट्रेल उपलब्ध होगी, किसने क्या दिया उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। सो दिस इज समथिंग गोइंग टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। अब देखिए सर अगला प्रश्न है, हाउ विल द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी इंश्योर्ड। जैसे मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न है कि सर क्या मैं एज अ सीए एसएससी की ओर से मेल रिसीव कर सकता हूं, क्या मैं उसकी ओर से जवाब दे सकता हूं क्या। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए इस स्कीम में लिखा, नोटिसेस ऑर्डर शैल बी डिलीवर्ड बाय वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी इन द एसएससी रजिस्टर्ड अकाउंट और सेंडिंग एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी देयरऑफ टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द एसएससी और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए वर्डिंग आ रही है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, और अपलोडिंग एन ऑथराइज्ड कॉपी ऑफ द एसएससी मोबाइल ऐप एंड फॉलोड बाय अ रियल टाइम अलर्ट। तो सर सरकार यहां पर एक मोबाइल ऐप की भी बात कर रही है और उस मोबाइल ऐप को लेकर के आएंगे तो उस मोबाइल ऐप पर भी आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो डिलीवरी किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा वो यहां पर हमारे सामने बात निकल करके आई। हालांकि मैंने सर इस बात पर पहले डिस्कशन किया लेकिन फिर यहां पर आपके समक्ष प्रश्न रख रहा हूं, वेदर पर्सनल अपीयरेंस कैन बी रिक्वेस्टेड इन एनी केस, नो पर्सनल अपीयरेंस इन द सेंटर्स और यूनिट हाउएवर सच कम्युनिकेशन शैल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट सर, आप हो सकता है किसी केस में ये कहें कि साहब मैं लिख करके नहीं दे पाऊंगा, मेरी उतनी लेखनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने, मैं अपने पक्ष को रखूं। तो सरकार यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था कर रही है सर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके थ्रू असेसमेंट यूनिट जो कि एनईसी से जो उसके पास में केस आएगा उस केस में एसएससी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्निक का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर विशेष परिस्थिति में आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी असेसमेंट संबंधी प्रक्रिया को आगे जारी रख सकती है। अब सर यहां मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है व्हाट विल बी द रोल ऑफ रिलेवेंट एजेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए समझना कि कौन क्या काम करने वाला है, किसका क्या रोल होगा। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ समझने की चीज है सर। सबसे पहली बात, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ये क्या काम करेगा, इट विल फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर, एनईसी विल बी वेस्टेड विद द असेसमेंट ज्यूरिसडिक्शन। जो असेसमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है सर वो एनईसी के पास में होने वाला है, यानी एनईसी नोडल एजेंसी है जिसके पास ये सारी पावर असेसमेंट की होगी। आरईसी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर ये रीजनल लेवल पर बनाए जाएंगे जो एनईसी को सपोर्ट करेंगे टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग इन द कैडर कंट्रोलिंग रीजन ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। असेसमेंट यूनिट सर इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दे विल फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट टू परफॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेकिंग असेसमेंट सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ और क्लेरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल फर्निश्ड बाय द असेसी। तो ये सर इन तीन एजेंसी पर बात करी, अगली और बाकी की एजेंसियों का क्या रोल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट कैसे काम करेगी सर, उनके लिए क्या रोल दिए गए हैं। वेरिफिकेशन यूनिट के लिए लिखा, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग एंक्वायरी क्रॉस वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स विटनेस रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो वेरिफिकेशन के काम की भी सर एक अलग यूनिट है। अब तक ये सारे काम अगर मैं बोलूं तो असेसिंग ऑफिसर फिजिकली करते हैं, लेकिन अब ये सारे काम सर किस प्रकार से होंगे, अलग अलग यूनिट्स
काम करेंगी, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और इस प्रकार से सर एक असेसमेंट बनाया जाएगा। टेक्निकल यूनिट देखिएगा सर वो क्या करेंगी, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग एनी असिस्टेंस और एडवाइस ऑन लीगल अकाउंटिंग फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन ट्रांसफर प्राइसिंग डेटा एनालिटिक्स मैनेजर और एनी अदर टेक्निकल मैटर। सो ऑल दीज मैटर्स विल बी डेल्ट विद बाय द टेक्निकल यूनिट। और सर अंतिम परंतु बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है रिव्यू यूनिट। ये एक बात आई सर, सरकार ने ये भी सोचा कि अगर एनईसी को लगता है कि जो असेसमेंट यूनिट ने ऑर्डर बनाया है इसको एक बार रिव्यू करा लें, यानी ये सही तो बन रहा है, इसमें कहीं कोई और संशोधन की तो जरूरत नहीं है फाइनली जारी करने से पहले, तो आप देखिए सर रिव्यू यूनिट के लिए क्या बोला है। उसके फंक्शन है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कौन बनाएगा सर, असेसमेंट यूनिट, और उसको रिव्यू कौन कर सकती है, रिव्यू यूनिट। ये क्या करेगी, इंक्लूडिंग चेकिंग वेदर रिलेवेंट एंड मटेरियल एविडेंसेस हैव बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, वेदर रिलेवेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट ऑर्डर, वेदर इश्यूज ऑन विद द एडिशन और डिसअलाउंस शुड बी मेड हैव बीन डिस्कस्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, वेदर एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजन हैव बीन कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, चेकिंग फॉर अर्थमेटिक करेक्टनेस ऑफ द मॉडिफिकेशन प्रपोज एक्सेट्रा। सो दिस इज द रोल ऑफ रिव्यू यूनिट सर। तो मैंने इस प्रकार से सर एनईसी आरईसी असेसमेंट यूनिट टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट के रोल्स आपके सामने रखे सर। तो ये अलग अलग एजेंसीज हैं सर जो ऑनलाइन असेसमेंट में एक साथ काम करके एक एसएससी के लिए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने में निर्णायक होंगी। कि व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ ई असेसमेंट, ई असेसमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब ये प्रोसेस आप समझिएगा कैसे ये असेसमेंट चलेगा सर। सबसे पहली बात, एनईसी शैल सर्व अ नोटिस ऑन द असेसी अंडर सेक्शन 143(2) स्पेसिफाइंग द इश्यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ केस फॉर असेसमेंट। तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है सर वो असेसी को 143(2) में ई नोटिस सर्व करेगा और उसको बताएगा कि आपका इन इन कारणों से हमने असेसमेंट खोल दिया है। जब ये नोटिस जाएगा तो असेसी को सर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा रिसीट ऑफ नोटिस से कि वो एनएसी को रिस्पॉन्स करे। सब्सिक्वेंटली एनएसी असाइन करेगी इस पर्टिकुलर केस को किसी आरओसी को आरईसी को, है ना, थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट सर। जब एनएसी अपने किसी पर्टिकुलर केस को आरईसी को फर्दर हैंडल करने के लिए देगी तो वो किसी भी आरओसी में ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू ये पर्टिकुलर फाइल जो एसएससी के असेसमेंट की है वो प्रोसेस करने के लिए दे सकती है। अब यहां देखिए सर, मैं अपनी प्रोसेस को आगे चला रहा हूं। वेयर द केस इज असाइंड टू एन असेसमेंट यूनिट इट मे मेक अ रिक्वेस्ट टू द एनईसी फॉर, फिर आरईसी एक असेसमेंट यूनिट को केस देगी, वो असेसमेंट यूनिट क्या करेगी, ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंसेस फ्रॉम द एसएससी और अदर पर्सन, कंडक्टिंग ऑफ सर्टेन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट and seeking technical assistance from the technical unit. तो जो assessment unit है सर वो इन coordination काम करेगी और इन इन units की help लेते हुए further सर वो अपने draft assessment order को बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। And where a request for obtaining further information is made by the assessment unit, तो सर NEC shall issue further notices as requisition. तो अब एक बात पकड़िएगा सर, assessee से interaction केवल NEC कर रही, ठीक है, और जो जो असेसमेंट यूनिट को चाहिए इंफॉर्मेशन वो एनईसी को बोल रही है, एनईसी एसएससी से कलेक्ट करेगी, एनईसी असेसमेंट यूनिट को देगी और असेसमेंट यूनिट उसको फर्दर अगर वेरिफिकेशन कराना है तो वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट वगैरह की मदद लेकर के फाइनल एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। देखिए मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू किए हुए हूँ सर कि असेसमेंट यूनिट मे रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग सर्टेन इंक्वायरी बाय वेरिफिकेशन यूनिट एंड देन एनईसी शैल असाइन द केस through automated allocation system to a verification unit. Assessment unit may also request for seeking technical assistance from technical unit. Then NEC shall assign the request to a technical unit in any one REC through automated allocation system. तो बार बार सर automated allocation system के through work के allocation की बात आ रही है और इस सब की nodal agency NEC है जो वहां पर रहकर के काम कर रही है। तो इस प्रकार से सर ये particular प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है। और लास्ट दो स्टेप सर और आपके सामने रख रहा हूं कि फाइनली द असेसमेंट यूनिट शेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट मटेरियल मेकिंग अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, इट विल मेक अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड अ कॉपी ऑफ इट टू द एनईसी। और बात आपके सामने रख रहा हूं
NEC shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the CBDT, including by way of an automated examination took thereupon. It may decide to, फिर वो क्या decide करेगी, finalize the assessment as per the draft order and serve a copy of the order and notice for initiating penalty proceeding to the assessee. तो सर जैसा एक usual assessment proceeding में होता है, NEC assessment unit से आए draft order को final करेगी, उसकी एक copy assessee को देगी और जो penalty के notice initiate करने हैं वो भी assessee को दे दिए जाएंगे. Provide an opportunity of being heard to the assessee if the modification is proposed to be served. Show cause notice on the assessee. So naturally, sir, assessee के ऊपर show cause notice भी penalty notice के लिए दिया जाएगा. And assign the draft assessment order to a review unit in any one REC through an automated allocation system for conducting review of such order. ये important है sir कि अगर NEC को लगता है कि review करने की जरूरत है draft assessment order में, तो वो किसी ROC को automated allocation system से review करने के लिए भी further बोल सकती है. सर मान लीजिए कि NEC ने कोई पर्टिकुलर केस रिव्यू के लिए रिव्यू यूनिट को भेज दिया है, तो रिव्यू यूनिट उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पर NEC को अपने कमेंट देगी, यानी या तो वो सहमति जता देगी कि जो असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया है वो ठीक है, या सर उनको लगता है कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करने हैं तो वो अपने मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर देंगे. साथ ही साथ सर रिव्यू यूनिट के फाइनल फीडबैक आने के बाद NEC रिव्यू यूनिट के पर्टिकुलर रिव्यू के बेसिस पर और अपनी ओपिनियन के बेसिस पर असेसमेंट यूनिट से आया जो भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसको फाइनल ऑर्डर के रूप में एसएससी को भेज देगी. तो सर इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहां पर एक तरीके से काम करेगी. मैं अपनी बात को फिनिश करने से पहले एक बात ये अवश्य कहूंगा सर कि क्योंकि ये स्कीम फाइनेंस एक्ट 2018 से आई है, यानी असेसमेंट ईयर 19-20 से, तो असेसमेंट ईयर 19-20 ऑनवर्ड जो स्क्रूटनी असेसमेंट किए जाएंगे उनमें यह प्रक्रिया लागू होगी. अभी सर प्रैक्टिकली असेसमेंट ईयर 17-18 और अगले साल 18-19 के केसेस खुलने हैं, तो उनमें सर ई असेसमेंट की प्रक्रिया अभी लागू नहीं है. असेसमेंट ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स तो अभी सर सरकार सेटअप करने में समय लेगी. जब ये सेटअप हो जाएगा जैसे एनईसी, आरईसी, वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट, और तब तक असेसमेंट ईयर 19-20 के असेसमेंट जो खोले जाएंगे उनमें सरकार इस ई असेसमेंट की प्रक्रिया का पालन करेगी. मुझे सुनने के लिए सर मैं अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ.